जिला पठानकोट व्यापार मंडल द्वारा प्रधान इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में डीएसपी सिटी लखविंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की गई। बैठक में मौजूद कारोबारियों द्वारा पेश आ रही समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया, जिसे लेकर डीएसपी सिटी समेत मौजूद अन्य पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा बताई गई समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा जल्द ही शहर के भीतर बड़े वाहनों और दो पहिया वाहनों की एंट्री को बैन कर दिया जाएगा। डीएसपी सिटी लखविंदर सिंह रंधावा ने बताया कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक शहर के मुख्य बाजारों व मार्गों पर बड़े वाहनों की एंट्री को बंद कर दिया जाएगा और जिसके चलते कारोबारियों को ज्यादा समस्या ना आए, इसके सुझाव मांगे गए हैं। हाँ जी, अज असी अपने दफ्तर दे विच जिला व्यापार मंडल पठानकोट की मीटिंग बुलाई सी। एक तो सारे ना इंट्रोडक्शन करने वास्ते, एक सानू शहर दे विच जिहड़ी ट्रैफिक की समस्या है उहदे करके सारी मीटिंग का जिहड़ा सिलसिला चलिया, और सारे व्यापार मंडल दीआं जिन्नीआं वी एसोसीएशनां इत्थे आईआं सीगीआं सारे ने अपने अपने विचार सानू दसे ने, उन्हां दे सुझाव सारे अहीं लिख ले ने। उहदे मुताबक जिहड़ी हुण गाह अगली ट्रैफिक की समस्या जिहड़ी सानू आउंदी है उहनू उहदी इंप्लीमेंटेशन करावांगे उस हिसाब दे नाल। मुख मुद्दे तो रेहड़ी मार्केट दे रहे ने, एक ਤੁਹਾਡਾ गांधी चौंक तो लैके डलौजी रोड तक की रोंग पार्किंग है सरी, एक नो एंट्री जोन ने, एक गड्डियां का मसला टाइम टू टाइम 8 to 8 जड़िया आउंदियां ने हैवी व्हीकल्स। इस तो अलावा होर भी जेडे इन्हां दे जेन्युइन सुझाव सीगे उह सारे असीं नोट कर ले ने, तो असीं उन्हां दा हल जल्दी कर लांगे। अज जिला व्यापार मंडल दे समूहिक एसोसीएशनां ने पुलिस प्रशासन नाल मीटिंग की है, जिदे विच जिहड़ियां शहर दे विच समस्या आ रही हैं उन्हां दे बारे सारी गलबात की गई है। जिवें कि गांधी चौंक, वाल्मीकि चौंक तो लैके डाकखाना चौंक है, तो डाकखाने चौंक तो लैके शाहपुर चौंक है, एड्डी वड्डी रेहड़ियां लगदियां शाम नूं, सवेर तो लैके शाम तक ट्रैफिक की जिहड़ी सारी समस्या उत्थे बनी रहिंदी है। असीं उन्हां नूं रिक्वेस्ट की है कि जिहड़ियां इलीगल रेहड़ियां लगदियां बिना लाइसेंस तो उन्हां नूं इत्थों बिल्कुल परमिशन ना दित्ती जाए, तो जिहड़ियां जेन्युइन जिहड़ियां जिन्हां कोल लाइसेंस ना वो रेहड़ी मार्केट के अंदर लगा। तो दूसरी है कि समस्या 1000 मीटर की, जिदे विच अज जो प्रॉपर्टी वाले काम करते हैं उन्हां दी अपने आर्मी वालों या पुलिस प्रशासन वालों जिहड़ी समस्या आती है उहदे लई असीं उन्हां नूं दस्सिया भी इह समस्या जिहड़ी है, अगर कोई घर बनाउण लगदा उस वेले आर्मी वाले आ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन को कंप्लेट करते हैं। वो कंप्लेट के जोड़ा बंदा घर बना रहा हों, जिन बेचारे ने पैसे खर्चे होंगे है वह बंदा बेचारा डर जाता है, तो आके सानू कंप्लेट करता जी ये मसले को हल कराया जाए। असी बारे अच्छ सारी गलबात की है, तो DSP साहब ने सूँ आश्वासन दिता कि कोई भी नजायज़ परचा असी किसी नहीं करा, अगर कोई बंदा ऐसा आ जाता तो ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਟੀ ਦੇ DSP ਲਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 1 ਔਰ 2 SHO ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ आप सब लोगों को पता है कि पठानकोट के अंदर जो ट्रैफिक की एक समस्या काफ़ी गंभीर समस्या बनती जा रही है, उसके लिए जिहड़े जिला व्यापार मंडल ने भी अपने कोई जो सुझाव ने उन्होंने दसे ने भी इनू दूर करने के लिए जिला व्यापार मंडल भी बिल्कुल उन्हों का सहयोग करेगा और जो जेन्युइन साडे इशू ने उन्होंने भी ध्यान रखा जाए। और DSP साहब ने बिल्कुल अश्योर किया भी असी इन्हों डिमांड को तुहाडे जो तुसीं रखे ने इन्हों ध्यान रखते हुए ही जी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करा, और नाल ना जी 1000 मीटर की प्रधान जी दस एक समस्या थी कि 1000 गज के अंदर जिला के OTG और आर्मी के ट्रांजिट कैंप के अंदर जो कंस्ट्रक्शन के उपर जो कि आप जानते हैं भी उन्होंने 100 मीटर कर दिता गया, पर 100 मीटर के बावजूद भी कुछ 200 मीटर 300 मीटर जो लोग जोड़े ने कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्होंने आर्मी की कंप्लेंट तो पुलिस द्वारा कुछ इस तरह की हरासमेंट का सामना करना पै रहा है। और उन्होंने वो भी अश्योर किया वा भी इस तरह की कोई भी जी समस्या आने वाले दिनों के अंदर नहीं आएगी। असी एक बार फिर तो दोबारा तो जिला प्रशासन को पुलिस में अश्योर करते हैं कि जिला व्यापार मंडल शहर की बेहतरी ट्रैफिक के लिए उन्होंने हर तरह का सहयोग करेगी और उन्होंने अपेक्षित
ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਚੌਂਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 4x4 ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵਪਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਜੇ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਟੋ ਜਾਂ ਟੈਂਪੂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੜ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਇਸ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ 4x4 ਵਹੀਕਲ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 8x8 ਦੀ ਨਾ ਐਂਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦਤ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਬ ਆਪਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਮੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨ। ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਕਾ ਸਭਸੇ ਪਹਿਲਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਕਰੂਜ਼ ਸ਼ਿਪ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੇ ਜੁੜਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਦ 100% ਪਲੇਸਮੈਂਟ PCSTI ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਕਰੂਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਨਾਓ ਗੈਟ 20% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਨ ਕੋਰਸਿਸ ਵਿਦ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ। बेहतर व आधुनिक पसंद के लिए याद रखें रागी होम डेकोर, केयर ऑफ रागी डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड प्रमोटर्स, वार्ड नंबर 11, नियर नोबेल्टी मॉल, ममून रोड, पठानकोट। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9540066113।